है और आपको कैसे उसको चूज करना है। तो पहले हम इसको टेस्ट करने के लिए जो भी अपना फाउंडेशन ले उसको आप हाथ के यहाँ पर कभी भी टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप जब भी स्टोर पर जाते हैं वो या तो आपके यहाँ पर या फिर यहाँ पर उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर का स्किन जो होता है वो हमारे स्किन कम्प्लेक्शन से 2 टोन लाइटर होता है। आपको अगर लेना है तो इस टोन के हिसाब से आप कंसीलर ले सकते हैं, क्योंकि कंसीलर आपको हमेशा अपने स्किन के कम्प्लेक्शन के 2 टोन लाइटर लेना है, तो इसलिए आप इसके हिसाब से कंसीलर लीजिए। मगर फाउंडेशन अगर आप इसके हिसाब से लेंगे तो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा साफ लगेगा और आपका हाथ का कम्प्लेक्शन उसके हिसाब से डार्क लगेगा, क्योंकि ये जगह का जो होता है कम्प्लेक्शन ये हमारे स्किन के हिसाब से होता है, ये हमारा ज़्यादा साफ होता है। तो आप जब भी फाउंडेशन ले उसको पहले हाथ पर ना लगाकर मुंह से नेक पर लगाइए, और ये अगर आपके स्किन के हिसाब से सही बैठ रहा है तभी आप इसको परचेज कीजिए। ले आप उसका एक शेड ही लाइटर टोन ले सकते हैं ब्राइटर कम्प्लेक्शन के लिए, मगर आप 2 या फिर 3 टोन अगर उसको लाइटर ले रहे हैं तो फिर चांसेस है आपका फेस ग्रेइश या फिर ज़्यादा ही व्हाइट कास्ट की तरह दिखाई दे। दूसरा चीज़, आपको अपने कम्प्लेक्शन कैसे जानना है, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है और उसको अपने फेस के साइड पर रखिए। इसके हिसाब से आपका फेस का स्किन देखिए, अगर आपको ज़्यादा पिंक या फिर आपको ब्लू दिखाई दे रहा है तो आपका स्किन टोन कूल के अंडर में जाता है, और ये अगर आपको ज़्यादा येलोइश दिख रहा है तो फिर आपका वार्म अंडर टोन है। अगर आपका बोथ है आपके चिक बोन्स पर ये आपको पिंक दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ आपको येलो वगैरह दिखाई दे रहा है तो आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। अंडरटोन एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, एक कूल होता है, एक वार्म और एक न्यूट्रल होता है। ज़्यादातर हमारे इंडियंस में आप वार्म अंडरटोन के कम्प्लेक्शन के लोग ज़्यादा देखेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर स्किन का रंग येलोइश कलर होता है, तो वार्म अंडरटोन के जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलते हैं। दूसरा टेस्ट आप ज्वेलरी के हिसाब से ले सकते हैं, आपको सिल्वर और दूसरा आपको गोल्ड ज्वेलरी लेना है। मैंने यहाँ पर 2 ज्वेलरी गोल्ड और एक सिल्वर का ले रखा है। उसको आपको पहन कर देखना है कि आपके स्किन के कम्प्लेक्शन के हिसाब से कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगर आपको येलो कलर ज़्यादा आपके स्किन पर ज़्यादा खिल रहा है तो फिर आपका वार्म अंडरटोन में जाता है। वार्म अंडरटोन मतलब आपका स्किन टोन येलोइश अंडरटोन में है। दूसरा आप सिल्वर देखिए, अगर आपका सिल्वर आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा ये चमक रहा है तो फिर आपका कूल अंडरटोन में जाता है। कूल अंडरटोन में आपका स्किन हल्का सा पिंकिश कलर दिखता है। अगर आपका स्किन टोन दोनों ज्वेलरी में ही अच्छा दिखता है तो फिर इसका मतलब आपका न्यूट्रल अंडरटोन में जाता है। तीसरा आप टेस्ट कर सकते हैं, जब भी आप बाहर कहीं निकले हैं तो सन रेज में अगर आप घर लौटते हुए आप देखेंगे कि आपके हाई चिक बोन्स पर रेडनेस आ रहा है, ज़्यादा बर्न हो गया है, तो इसका मतलब आपका कूल अंडरटोन है। मगर आपको यहाँ पर रेडनेस वगैरह ना होकर अगर आप देखेंगे कि टैन हो गया है, जैसे आपने कपड़ा यहाँ तक पहन रखा है और यहाँ से डार्क हो गया है, तो इसका मतलब टैन हो गया है। अगर इस तरह का दिखाई दे तो इसका मतलब आपका वार्म अंडरटोन है। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कपड़ों के यहाँ से डार्क होता है मगर चीक्स पर रेडनेस आ जाते हैं, तो ये न्यूट्रल अंडरटोन है। उनको टैन भी होगा और दूसरा रेडनेस बर्न भी होगा। तो कूल में आपका बर्न होता है स्किन, और जो वार्म अंडरटोन है उसमें आपका स्किन ज़्यादा टैन होता है। न्यूट्रल में आपका बोथ होता है, आपको बर्न भी होगा और टैन भी होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। तो अब हम फाउंडेशन किस तरह का ले उस तरह से बात करते हैं। तो अगर आपका वार्म अंडरटोन है तो आपको वो फाउंडेशन लेना है जो कि हल्का येलो में हो। उसका आप देखेंगे टेक्सचर येलो में अगर जा रहा है तो फिर वो आपके कम्प्लेक्शन के हिसाब से सही बैठेगा। दूसरा, अगर आपका कूल अंडरटोन है तो फिर आप देखिए वो वाला फाउंडेशन जो हल्का सा पिंकिश टोन में हो, हल्का पिंकिश टोन आपके स्किन के ऊपर अच्छा जाएगा। तीसरा, आप देखेंगे अगर आपका न्यूट्रल अंडरटोन है तो फिर आप बोथ जा सकते हैं। आप या तो पिंक वाला ले सकते हैं जो कि पिंक में हल्का सा हो,
या फिर जो येलो में हो फाउंडेशन आप बोथ ले सकते हैं, या फिर दोनों फाउंडेशन लेकर उसको मिलाकर आप अपने स्किन पर लगा सकते हैं, वो भी आपके स्किन पर अच्छा दिखेगा। अब चौथा टेस्ट आपको कैसा करना है कि आपका अंडरटोन आपको कैसे पता चले, आप अपने हाथ को लीजिए, यहाँ पर आपके नस दिखाई देते हैं तो उसको पीछे की तरफ आप इसे टाइट कीजिए, तो यहाँ पर अगर आपको ब्लू या फिर पर्पलिश कलर का आपको दिखाई दे रहा है वेन, तो फिर इसका मतलब आपका टोन कूल में जाता है। और दूसरा, अगर आपका यहाँ पर वेन वो अगर ग्रीनिश कलर में है तो फिर आप वार्म अंडरटोन में जाते हैं। एक्चुअली हमारे वेन ब्लू कलर के होते हैं, मगर जो व्हाइटिश कूल अंडरटोन में जाते हैं, कूल अंडरटोन की वजह से वो हमें ब्लू और पर्पलिश दिखाई देता है, मगर जो वार्म अंडरटोन है वो येलोइश कलर होने की वजह से, जैसे आप कलर में येलो और ब्लू को मिलाए तो ग्रीनिश कलर आता है, तो आपका उसी तरह ग्रीनिश कलर दिखाई देगा। अगर आपका न्यूट्रल अंडरटोन है तो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको ग्रीनिश दिखाई देगा और यहाँ पर हल्का सा ब्लूइश भी दिखाई देगा, तो ब्लूइश और ग्रीनिश बोथ आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पाम साफ होते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लूइश दिखाई देगा और यहाँ पर आपको ग्रीनिश दिखाई देगा, उसका मतलब आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। अब हम बात करते हैं कि आप ड्रेस उसके हिसाब से आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे आपको ज़्यादातर रेड, पीच, ब्राउन, ये सारे कलर आप अगर पहन रहे हैं कपड़े, आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ड्रेस टोन पर, तो इसका मतलब आप वार्म अंडरटोन में जाते हैं। अगर आपका कूल अंडरटोन है तो फिर आपको ब्लू, पर्पल और मीडियम रेड कलर, पीच कलर, ये सारे कलर आपको बहुत अच्छे सूट करेंगे। और जो न्यूट्रल अंडरटोन है उनको इन दोनों कलर में से जो मीडियम कलर है, जैसे ब्लू का मीडियम ब्लू, वेलवेटी रेड का जैसे आपका मीडियम रेड पकड़ लीजिए, तो इससे आपको ऑलिव ग्रीन, डार्क ग्रीन नहीं ऑलिव ग्रीन, ये सारे जो मीडियम में आते हैं वो सारे आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। हर टोन में डार्क से लेकर लाइट तक का रेंज होता है, तो उसके हिसाब से आप अपने कम्प्लेक्शन के हिसाब से फाउंडेशन लीजिए, मगर फाउंडेशन हमेशा आपके फेस पर ना देखकर फेस से नेक तक लीजिए। और दूसरा चीज़, अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं टेस्ट करने के लिए, तो उसको लगाकर आप दूसरा फाउंडेशन या फिर अलग कोई चीज़ परचेज कीजिए, ताकि वो चीज़ आपके स्किन पर 20 से 30 मिनट तक वैसे ही रहना चाहिए, ताकि आप देख सकें कि 30 मिनट के बाद अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज का मतलब आपका जो कम्प्लेक्शन आपको अगर ठीक लग रहा है और उसके बाद आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ आपके स्किन के ऊपर हल्का सा डार्क रंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ ऑक्सीडाइज कर रहा है आपके स्किन में, तो आपका जो फाउंडेशन आपके स्किन के कम्प्लेक्शन के हिसाब से जा रहा है, आप उसे एक टोन फेयर फाउंडेशन लीजिए। तो आप जल्दी में जाकर फाउंडेशन ना खरीद के उसको लगा के रखिए, आधे घंटे तक देखिए, अगर वो सही बैठ रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो उसी का फाउंडेशन वही वाला शेड लीजिए, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका एक शेड ज़्यादा फाउंडेशन लीजिए, अगर ऑक्सीडाइज नहीं भी हो रहा है तो भी आप फाउंडेशन एक शेड ज़्यादा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं। जब भी आप फाउंडेशन लगाए आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट उसको कर सकते हैं, मगर डबल कोट से ज़्यादा कोट उसको मत कीजिए, वरना वो आपके स्किन पर बहुत ही ज़्यादा मेडअप की तरह लगेगा, जैसे कि अलग सा एक चेहरा है उसी तरह का लगेगा, तो आप एक से दो कोट ही उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कम्प्लेक्शन के हिसाब से फाउंडेशन खरीद सकते हैं। वेन टेस्ट में जो मैंने आपको बताया, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर मैं आपको कुछ पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का ब्लू और पर्पलिश या फिर आपका ग्रीनिश है उस तरह से आपको कैसे देखने हैं। तो ये वाले जो पिक्चर्स हैं आप इनको ध्यान से देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा आपका कम्प्लेक्शन है और उसके हिसाब से आप अपना फाउंडेशन खरीद सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें पहले वाला कूल है, सेकंड न्यूट्रल और थर्ड है वार्म अंडरटोन में।